नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल आज का ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं सौरभ आज आपके लिए लाया हूँ एक और नया न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। वो है रेकॉल कंपनी का एंड्रिस मॉडल का गीज़र। ये जो गीज़र है ये 15 लीटर की कैपेसिटी के साथ में है। आज हम इसी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे। रेकॉल का जो टैग लाइन है वो है रिबॉर्न एवरीडे विथ हॉट वाटर। इसका एक और जो नीचे जो लाइन लिखी हुई है, इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ वाटर हीटर, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब हम लेते हैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू ये है इसका। यहाँ पे इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। टेक्निकली अगर हम बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है इसका 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट। MRP इसका 8200 रुपये है, लेकिन ये मार्केट में ऑनलाइन आपको 7200 से 7500 रुपये तक मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट जो हमारे पास में है ये मेड इन वियतनाम है, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये भी, क्योंकि अदर कंपनीज़ के ये जो गीज़र्स हैं वो मेड इन चाइना भी काफ़ी सारे आते हैं। अब हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो है इसका यूज़र मैनुअल। रेकॉल का जो यूज़र मैनुअल है इसके अंदर सारे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हाउ टू यूज़, क्लीन, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन, सब कुछ इसमें प्रॉपर मेंशन है। लास्ट में इसी वारंटी कार्ड में इसका वारंटी पीरियड एंड वारंटी डिटेल्स भी मेंशन है। ये जो गीज़र है ये कंप्लीट प्रोडक्ट पर, इस पर 2 ईयर्स का गारंटी है। एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गीज़र का, उस पर 4 ईयर्स है, और जो टैंक है उसके ऊपर 7 ईयर्स का गारंटी है। तो ये टैंक पीरियड भी इस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा ही है। बाकी सब ब्रांड्स 2 साल और 5 साल का वारंटी देते हैं टैंक और एलिमेंट के ऊपर। तो ये हो गया इसका रेकॉल का यूज़र मैनुअल। और एक इसी के साथ में पार्ट जो आता है वो है इसका मल्टीफंक्शनल वॉल्व। ये वॉल्व भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। और ये वॉल्व हो गया। अब हम हमारी मेन यूनिट निकालते हैं। ये है हमारी मेन यूनिट। मेन यूनिट को देखते ही जो सबसे पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है इसका डिज़ाइन और इसका कलर कॉम्बिनेशन। रेकॉल गीज़र में कोई कलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एक ही, मतलब ये ड्यूल टोन कलर जो है इसी कलर के अंदर आता है। वाइट एंड ब्लैक कलर के अंदर काफ़ी एलिगेंट और सोबर लुक आ रहा है इसका। रेकॉल गीज़र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब है, यहाँ पे एक ही LED इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ पे ये फ्रंट पैनल में जो दो ये स्क्रू टाइप लगे हुए हैं यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए है। और अब हम देखते हैं इसी का साइड व्यू। साइड व्यू इसका काफ़ी स्लीक है, 4-स्टार रेटेड प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है अल्बर्टो पलेर्मो डिज़ाइन, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और ये है इसका बैक पैनल। बैक पैनल के अंदर यहाँ पे ये क्लैंप लगाने के लिए होता है। और ये है इसका वायर। इसका जो 3-पिन टॉप है वो 16 एम्पीयर के प्लग के साथ में है। तो ये हो गया हमारा इसका बॉडी का डिज़ाइन और लुक। अब हम और अगर टेक्निकली इसके जो फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़, हम रेकॉल या हम किसी भी गीज़र को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है बॉडी, दूसरा होता है टैंक, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है एलिमेंट। अगर हम बात करें इसकी बॉडी की तो बॉडी की प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नज़र आ रही है। और टैंक जो होता है इसका वो एक ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया हुआ टाइटेनियम स्टील का टैंक होता है, जिसके अंदर टाइटेनियम इनेबल का एक कोटिंग भी होता है। इससे टैंक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है और प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इसका हीटिंग एलिमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हीटिंग एलिमेंट पर भी एक टाइटेनियम इनेबल का कोटिंग होता है, इससे हीटिंग एलिमेंट के काम करने की क्षमता और लाइफ दोनों बढ़ जाते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो पानी को गर्म करने के साथ ही उस पर खार जमता जाता है, तो उसकी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी एफिशिएंसी को बरकरार रखना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि शुरुआत में अगर ये पानी अगर अब सपोज़ अगर अपने को 15 मिनट में दे देगा तो बाद में उसी को टाइम पीरियड 20 मिनट हो जाता है। इसी में हमें जो काम आता है वो होता है इसका हीटिंग एलिमेंट, जो टाइटेनियम इनेबल है। ये एक 4-स्टार रेटेड प्रोडक्ट है, तो एनर्जी सेविंग भी अच्छी करेगा। गीज़र के अंदर आजकल एक इंसुलेशन होता है जिसे बोलते हैं पफ इंसुलेशन, वो भी इसके अंदर बहुत गाढ़ा और मोटा है, तो इससे इसकी जो पानी का जो तापमान होता है वो अंदर मेंटेन बहुत देर तक रहता है। और अगर हम इसके एक जो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है जो इसका फ्यूचर है वो है इसका टेम्परेचर कंट्रोल नॉब। टेम्परेचर कंट्रोल नॉब से आप
टेम्परेचर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर्स है। सपोज़ जैसे सितंबर या अक्टूबर का जो मंथ होता है उस वक्त सर्दी ज़्यादा नहीं होती है, सुबह कोई भी अगर नहा रहा है, बच्चे हों या बड़े, पानी ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। आप नॉब से इस टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसमें हमें दो फायदे होते हैं। पहली तो चीज़, जहां आप टेम्परेचर सेट करेंगे गीज़र वहीं पे कट ऑफ या बंद हो जाएगा, तो पानी एक तो वो फुल होके कट ऑफ होता तो वहां एनर्जी ज़्यादा लगती, और एक वो मीडियम पर ही कट ऑफ हो जाएगा तो बिजली की खपत भी कम होगी, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा। और अगर हम बात करें तो ये जो रेकॉर्ड के ये सब टेक्निकल फीचर्स बहुत शानदार हैं, और इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी और फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है। रेकॉर्ड भारत का सबसे ज़्यादा गीज़र बनाने वाला और बेचने वाला ब्रांड है, तो मतलब नो डाउट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और डिज़ाइन टेक्निकल फीचर्स दोनों शानदार हैं। रेकॉर्ड के इस मॉडल की प्राइस की अगर हम बात करें तो रेकॉर्ड के दूसरे मॉडल से इसके अंदर फीचर्स भी ज़्यादा हैं और इसकी वारंटी भी अच्छी है। और अगर हम इसी की प्राइस को अगर दूसरी कंपनीज़ की प्राइस के साथ में कंपेयर करें तो कई जो कंपनीज़ हैं उनकी स्क्वायर शेप के मॉडल 9,000-10,000 रुपए के आ रहे हैं, तो उससे भी अगर हम कंपेयर करें तो रेकॉर्ड ब्रांड भी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत शानदार है। इस गीज़र की डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और प्राइस तीनों अट्रैक्टिव हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। आप कोई सवाल पूछना चाहें तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।